हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CU-80 ने ये तो बता दिया कि आपको डोमेन स्पेसिफिक है, या सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, लेकिन ये मसला अब यहाँ पे आके फंस जाता है कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी वो सेक्शन 1 को चाहता है या डोमेन स्पेसिफिक को चाहता है, या सिर्फ सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट लेके आपको मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन ले लेगा वो। इन सभी सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे CUET सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, GMI, एरो, हिस्ट्री, DSS मतलब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद BHU है, हिस्ट्री लेता है तो उसमें वो किस हिसाब से एडमिशन देगा। इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ही नहीं करेंगे, जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट है, चाहे जामिया को लेके हो, चाहे AMU को लेके हो, चाहे BHU को लेके हो, DU को लेकर हो, सबको हम लोग क्लियर करेंगे। आइए हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि CUET का अगर पेपर होता है उसमें थ्री सेक्शन होता है। थ्री सेक्शन, फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज डोमेन स्पेसिफिक DSS, थर्ड इज जनरल टेस्ट। ये तीन चीज़ें सबको पता है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अगर मैं CUET का फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ और हिस्ट्री के लिए, ठीक है, और उस हिस्ट्री में मैं कहूँ कि मैं जामिया में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तब उसके बाद हमारा सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? क्या हमको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, या लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए होगा, या जनरल टेस्ट भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे मसला फंसता है कि अगर JMI में आपको हिस्ट्री, बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पे अगर वो DSS यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट चाहता है, तो उसी बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पे आपका एडमिशन होगा। अब मसला फंसता है यहाँ पे आगे कि अब BHU कहता है कि हम बी ऑनर्स हिस्ट्री में आपको तभी एडमिशन देंगे जब आपका आप सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में के दोनों को अगर क्रैक करते, या दोनों के लेवल में है कि मतलब आपका मेरिट लिस्ट उस दोनों के बेस पे अगर बनता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी लैंग्वेज टेस्ट और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, उस बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बन के आएगा। उसके बाद जो आप अगर मेरिट लिस्ट में होंगे तब आपको हम यहाँ पे बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन देंगे। लेकिन वहीं पे अगर सपोज कीजिए कि AMU में CUET लागू हो जाता है और वो कहता है कि मैं बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो एडमिशन दूंगा आपको, उसमें ऑल सेक्शन नेसेसरी, यानी सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट भी ज़रूरी है, डोमेन स्पेसिफिक, और उसके बाद आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, इस तीनों के बेसिस पे आपका बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेंगे। तो अब यहाँ पे मसला ये फंस रहा है कि जामिया कह रहा है कि मुझे डोमेन स्पेसिफिक यानी हम सेक्शन 2 का जो टेस्ट लेंगे उसी बेसिस पे आप मुझे मेरिट लिस्ट बना के दे दो, मैं एडमिशन इसी बेस पे ले लूँगा। BHU कह रहा है भैया मुझे सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक दे दीजिए। AMU अगर कहता है कि नहीं मुझे तीनों चाहिए, अब यहाँ पे सवाल फंसता है कि स्टूडेंट क्या करे ऐसे सिचुएशन में। तो स्टूडेंट को हमारे ख्याल से आप जब CUET का फॉर्म डालेंगे और चाह रहे आप बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लें, सपोज कीजिए बी ऑनर्स हिस्ट्री में लेना चाहते हैं और जामिया में लेना चाहते हैं, तो आप अगर इस तीनों सेक्शन को, तीनों सेक्शन का पेपर देते हैं और तीनों में, तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तब उसके बाद होगा कि अगर जामिया कह रहा है डोमेन स्पेसिफिक तो आपका सेक्शन 2 भी आप दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सेक्शन 2 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग से आपका जामिया में भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर कल हो कि अगर BHU कह रहा है कि नहीं सेक्शन 1 और 2 चाहिए मुझे इस बेसिस पे भी, क्योंकि आपने तीनों पेपर दिया हुआ, इस बेसिस पे भी अगर मेरिट लिस्ट बनता है तो फिर आप BHU के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर AMU कहता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का पेपर दिए हुए हैं, तीनों के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन के जाएगा, तब भी आप अगर मेरिट लिस्ट में होंगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी आपको सेक्शन 1, 2, 3 तीनों सेक्शन का पेपर देते हैं, फिर उसके बाद जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। कि आप सपोज कीजिए कि जामिया का फॉर्म डाल रहे हैं तो आप DSS यानी सेक्शन 2 का पेपर देंगे, उसके बाद उस बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर वहीं BHU की बात हो रही है तो सेक्शन 1 और 2 यानी लैंग्वेज और आपको डोमेन स्पेसिफिक का भी पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे AMU का फॉर्म डाल ले तो आपको सेक्शन 1, 2, 3 ये होगा। तो यहाँ पे ये मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी में, ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, नहीं बल्कि ऐसा ही होगा। लेकिन अभी तक के किसी ने ये क्लियर नहीं करा है, चाहे वो जामिया हो, AMU हो, BHU हो, किसी ने भी अपना अब तक के ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये नहीं कहा है कि अगर CUET के थ्रू आप बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डोमेन स्पेसिफिक के थ्रू आ सकते हैं, ऐसा नहीं कहा है। या ये भी नहीं कहा है कि आप लैंग्वेज टेस्ट देंगे या जनरल टेस्ट भी आपके लिए कंपलसरी होगा, या आप दोनों सेक्शन देंगे या तीनों सेक्शन देंगे या एक सेक्शन देंगे, किसी ने अब तक के ये क्लियर नहीं करा है। यानी कल, यानी 5 से 6 घंटे के बाद में, जब CUET samarth.ac.in पे जब
CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होगा, तब उसके बाद जो जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है जिस जिस कोर्स के लिए, वो अलग से अपना नोटिस जारी करेगा कि भैया अगर मैं बी ऑनर्स हिस्ट्री में अगर जामिया में आना चाहते हैं तो जामिया के लिए ज़रूरी है कि आप डोमेन स्पेसिफिक दीजिए, अगर BHU में अगर बी ऑनर्स सोशोलॉजी में जाना चाहते हैं, साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपको ये सेक्शन का पेपर देना पड़ेगा। उसी तरीके से AMU कहता है कि भैया अगर आप बी ऑनर्स ज्योग्राफी में आना चाहते हैं तो डोमेन स्पेसिफिक में ज्योग्राफी चूज़ कीजिए, लैंग्वेज टेस्ट दीजिए, जनरल टेस्ट दीजिए, फिर आप मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। तो अब तक के कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन ये एक प्रोसेस होगा, इसी हिसाब से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जब CUET का फॉर्म डालें तो सेक्शन 3 तीनों को चूज़ करें, क्योंकि अगर जामिया का फॉर्म डाल रहे हैं, अगर जामिया में भी ऑनर्स हिस्ट्री है, BHU में भी है, AMU में भी है, अब तीनों में अगर किसी सेक्शन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता है तो आप तीनों सेक्शन का पेपर दिए हुए हो, उसी सेक्शन के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है, तो जामिया नहीं तो BHU, BHU नहीं तो AMU, AMU नहीं तो DU। तो इसके अगर देखा जाए कि अगर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री में जामिया में ही आना चाहते हैं तो फिर जामिया के अकॉर्डिंग आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर BHU में सिर्फ जाना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर दो, उसी का पेपर दे दो, क्लियर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप तीनों सेक्शन का देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप इसमें नहीं तो उसमें, इसमें नहीं तो उसमें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग तीनों चीजों की तैयारी कीजिए, कुछ भी अलग नहीं है। 12 बेस NCERT पढ़िए, आप जिस डोमेन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लैंग्वेज के लिए मैंने कल वीडियो बनाया था कि आपको क्या सिलेबस हो सकता है, जनरल टेस्ट के लिए क्या हो सकता है। रही बात कि सेपरेट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से सेक्शन को चूज करना पड़ेगा, उसके लिए 6 तारीख के बाद ही यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस आएंगे, उसके बाद आपको चैनल पर सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी को लेके CUET का फॉर्म प्रोसेस सेक्शन कौन चूज करना है, उस तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, चाहे वो बी ऑनर्स संस्कृत हो, बी ऑनर्स हिंदी हो, बी ए हिस्ट्री हो, बी ए फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, जो भी कोर्सेज है CUET के थ्रू जो जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा उसका आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, अच्छे से जिस तरीके से अभी समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग अभी यहीं पर रुको, कल तो आज मतलब 12 बजे रात में लाइव हो जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं, क्योंकि 2 अप्रैल को एक्सटेंड हो चुका है, 6 अप्रैल को मुझे पता नहीं, अब तक कि कुछ भी उस तरीके से न्यूज़ में CUET को लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो मे बी कि 6 तारीख यानी अभी 12 बजे रात में मे बी ये भी कैंसिल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है अभी, ठीक है, तो वो भी कैंसिल हो सकता है। नहीं होता है तब तो सही है, सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस आपके सामने आ जाएंगे, सब जो होगा आप लोग देख लेंगे, लेटेस्ट अपडेट होगा आपके सामने प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप ऐसे समय में वेट नहीं करें, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर जिस बी ऑनर्स अगर हिस्ट्री चाहते हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री में, तो आप कम से कम 12 की NCERT हिस्ट्री की बुक को आप पढ़ो, अगर ज्योग्राफी चाहते हो तो 12 की ज्योग्राफी को पढ़ो, अगर साइकोलॉजी चाहते हो तो साइकोलॉजी पढ़ो, अगर आप हिंदी में जाना चाहते हो तो आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से करो, हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से देखो, ठीक है, अगर संस्कृत में जाना चाहते हो तो आप फिर हिंदी संस्कृत व्याकरण को देखो, संस्कृत और हिंदी पाली प्राकृत को, जो भी इतिहास है उसको अच्छे से देखो, अगर बी ऑनर्स फ्रेंच में जाना चाहते हो तो फ्रेंच कंट्री एंड कल्चर को अच्छे से करो, क्योंकि ये चीजें परफेक्ट है कि आने ही आने, ये एकदम कंपलसरी कि ये चीज़ें पूछे जाएंगे, किसी कोई भी पेपर ले, सेक्शन हो नहीं हो, ये जरूरी है, क्योंकि BA फ्रेंच की अगर आप तैयारी करें तो उसमें कंट्री कल्चर आना ही आना है, अगर BA संस्कृत की तैयारी करें तो उसमें ग्रामर आना ही आना, अगर BA हिंदी की तैयारी करें तो उसमें ग्रामर आना ही आना है, अगर आप सपोज कीजिए कि BA ऑनर्स इंग्लिश की तैयारी करें तो उसमें इंग्लिश ग्रामर आना ही आना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी है जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आप अपनी तैयारी को मत रखो। CUET का एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो रहा है नहीं हो रहा है, UGC का गाइडलाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके चक्कर में मत रहो आप। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम अपने डोमेन स्पेसिफिक पे अच्छी पकड़ बनाओ, अगर अच्छी पकड़ नहीं बना सकते तो मे बी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है, ये 2 से 2.5 महीने का टाइम होगा, इसी में सारा कंपटीशन होगा आपके लिए, क्योंकि कंपटीटर और अब ज्यादा हो गए आपके सामने, तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए। और बाकी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको अपना टारगेट सेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक यू।